Welcome to my next video. This is Sid Roy, and you know me as well. And today we are talking about security guard की job इतना मतलब क्यों इतना सही है कि देखो सबसे पहली बात ये है कि इसमें इतना education का जरूरत नहीं होता. आप degree करे हो, diploma करे हो, PhD हो, no matter what are you, but still you are doing security guard. अगर तुम इतना पढ़ लिख के भी अगर आप इधर आओगे job करने, तो आपको कोई ये मत सोचो कि किसी को सीधा सुपरवाइजर बन जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस. आप चाहे जितना मर्जी पढ़ लो, आप एज ए सिक्योरिटी गार्ड ही काम करोगे. बट इनमें इस चीज में सिक्योरिटी गार्ड में ऐसा चीज क्या है, क्योंकि देखो इसमें इतना हाई फाई एजुकेशन मैटर नहीं करता. जो लोग 10th करते हैं, SSC करते हैं और उसके बाद प्लस टू में जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि क्या करना है करियर में, कैसा है क्या है, और वो लोग बहुत आपको पता है थोड़ा मतलब मिडिल क्लास से है, ज्यादा हाई ना भी रिच नहीं है वो लोग, तो उनके लिए ये बेस्ट करियर है सिक्योरिटी गार्ड का. क्योंकि इसमें दुबई में अच्छा सैलरी है, बट एक आप अच्छा कंपनी में जाओगे तो बहुत अच्छा सैलरी है और आगे से आगे आपके स्कोप भी बढ़ते जाएंगे इन दिस करियर में. आप सुपरवाइजर से मैनेजर सिक्योरिटी तक जा सकते हो पढ़ लिख के. बट ऐसा नहीं है कि आपको बस आपको टाइम देना पड़ेगा इस चीज के लिए. सबसे बेस्ट चीज ये है कि टाइम देना पड़ेगा. जितना आप टाइम दे सकते हो उतना ही सही है. जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपका लाइफ में तरक्की हुआ, बट डिपेंड्स ऑन यू आप कैसा उसको आगे लेके जाते हो चीज को. अगर आप वैसे ही यही धक्के वाला मतलब आप एज ए सिक्योरिटी गार्ड ही रहोगे लाइफ में, तो वो डिपेंड आप पे है यार गाइस. आप क्योंकि देखो आपको कल को सुपरवाइजर बनना है, कल को मैनेजर बनना है, तो देखो इधर के लिए मोस्टली चीजें होती है जो ऑन साइट पे है तो बहुत सही है सुपरवाइजर के लिए. बट मेन चीज है ड्राइविंग लाइसेंस होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मेन आपकी तरक्की इसलिए होगी अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है. थोड़ा मतलब उसमें पॉइंट प्लस पॉइंट आ जाता है, क्योंकि व्हीकल तो चलो हो जाता है, बट यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लेना सबसे बड़ी बात है. क्योंकि सुपरवाइजर को आपको पता है पूरा पेट्रोलिंग करना है, एरिया देखना है, हर जगह जाना है, पूछना है ये सब, तो इसलिए यहाँ पे इतनी जल्दी कोई सुपरवाइजर नहीं बनता. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है. एंड बाकी तो बाकी आप मैनेजर सिक्योरिटी तक चाहोगे तो सिरा के डिफरेंट कोर्स है, उसका अलग फीस है, उस हिसाब से आप अपना लाइफ में आगे बढ़ सकते हो. ये सिक्योरिटी गार्ड का बेस्ट करियर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो इसमें कोई इतना वो नहीं है, पैसा नहीं लगता इतना. एकदम ऐसा है कि आपको फ्री फंड वाला जॉब है, इतना ज्यादा एजुकेशन मैटर नहीं करता. बस आपका स्किल होना चाहिए आपके, कैसे आप मतलब इस चीज को कैसे हासिल कर सकते हैं. जो आपको थोड़ा सा इंग्लिश चाहिए, इतना ज्यादा इंग्लिश नहीं चाहिए दुबई के लिए कि आपको बहुत ज्यादा बहुत हाई फाई चाहिए ये सब चाहिए. आप एक नॉर्मल इंग्लिश चाहिए, लाइक यू आर कन्वर्सेशन विद समवन एल्स, आराम से आप बात कर सको, उसको समझा सको. बस मेन चीज ये वो लोग इंटरव्यू में यही चीज चेक करते हैं और कुछ नहीं चेक करते यार फालतू में. बाकी आपको थोड़ा सा और नॉलेज भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि काम क्या करता है, कुछ तो होना चाहिए नॉलेज, तभी आपको जॉब का भी आगे थोड़ा आपका प्लस पॉइंट होगा. बाकी थोड़ा सा पढ़ लो गूगल करके ये सब चीजें करके, बाकी और इतना वो नहीं है. पर बेस्ट चीज ये है सिक्योरिटी गार्ड का कि आपको आप मतलब बिना इतना ज्यादा पढ़े हुए भी एक अच्छा अर्निंग कर सकते हो अपनी लाइफ में. सबसे बड़ी बात है ये, क्योंकि देखो लोग ग्रेजुएट होते हैं, डिग्री करते हैं, स्टार्टिंग में उनको कितना सैलरी मिलता है, 15,000-20,000. बट इन केस आपके पास फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है, कुछ मतलब कर नहीं पा रहे, तो सिक्योरिटी गार्ड आपके लिए बेस्ट चीज है दुबई के लिए आने के लिए. मैं दुबई के लिए रिकमेंड करूंगा, बाकी कंट्रीज का मैं नहीं बोल सकता, पर दुबई के लिए जो मैंने चीज फेस की है एंड एक्सपीरियंस आई हैव सीन द थिंग्स अबाउट दैट कि बहुत चीजें सही है इधर. बस ये है कि अब में कैपेबिलिटी होनी चाहिए करने की, बाकी तो सब भगवान के भरोसे छोड़ दो, जैसा चलेगा चलेगा, बाकी तो सब सही रहेगा लाइफ में. और गाइस किसी को कुछ जाना रहेगा तो यू कैन कमेंट मी, एंड थैंक यू फॉर कमेंटिंग दैट पार्टिसिपेट यू आर इन माय डोनेशन फ्री में. अपने जिसने पार्टिसिपेट किया है वो बिल्कुल एकदम, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स बहुत लोगों का आ रहा है एंड रियली यू आर गाइस इंटरेस्टेड. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच यू आर वॉचिंग मी and also you are subscribing me and thank you really, I really appreciate your love guys. Thank you so much. So next topic में आपसे मिलते हैं कोई अच्छे वाले एकदम मस्त वाले में, ठीक है. नेक्स्ट कल देखते हैं क्या चीज में टॉप आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो. हाँ आप कमेंट करके बता सकते हो. एंड गाइस मैं आपको अपना नंबर नहीं दे सकता ज्यादा,
क्योंकि देखो मेरे को ऑलरेडी, मैं जॉब करता हूँ आता हूँ, तो मेरे को ऑलरेडी बहुत चीजें मैनेज करनी पड़ती है अपनी लाइफ में, तो उस हिसाब से मैं जितना टाइम दे सकता हूँ आप लोगों को उतना दे सकता हूँ, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं होता यार कसम से। आपको भी पता है सुबह 3:30 बजे उठना इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन, मेरे लिए भी इतना ईजी नहीं है कि जाओ 4:20 बस जाओ फिर 5 बजे आओ, तो अभी थोड़ा आदत तो हो गया है, बट बहुत चीजें मैनेज भी कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ, ये सब चीजें कर रहा हूँ, बड़ा भी स्ट्रगल ही सब कुछ है मेरे लिए तो। पर चलो आगे लाइफ में देखते क्या अचीव करते हैं, आप लोगों से बात करते करते, और तो कुछ नहीं है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।